दिल्ली के अंदर कल हमने अपने सभी लोकसभा कैंडिडेट के साथ चर्चा की, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो परिणाम आए हैं उसको लेकर के, पार्टी के संगठन के नेतृत्व ने आपस में चर्चा की और एक कॉमन बात जो पूरे दिल्ली के अंदर से निकल करके आई है कि सारे कैंपेन और सारी मेहनत के बावजूद दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में वोट देने के महत्व को हम समझाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए और अंततोगत्वा दिल्ली का चुनाव केंद्र में मोदी और राहुल के चुनाव का जो पैराडाइम था उसी पर दिल्ली का चुनाव भी गया। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने वोट दिया और मोदी जी के खिलाफ जो वोट था वो राहुल जी के नाम पर कांग्रेस की तरफ गया। लेकिन एक बात हर जगह से आई है, लगभग चुनाव के दिन भी और कल काउंटिंग के दिन, चाहे वो मतगणना स्थल हो और चाहे उसके बाद शाम को हमने संगठन से रिपोर्ट हर जगह से ली, एक बात कॉमन आई है, जिन लोगों ने मोदी जी को वोट किया है, जिन लोगों ने कांग्रेस को राहुल जी के नाम पर वोट किया है, उनके बीच से भी एक कॉमन बात निकल के आई है कि दिल्ली में हम केजरीवाल को वोट करें। तो हम जो पूरी कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा न होने की वजह से जो नुकसान हो रहा, आम आदमी पार्टी ने अपने पूरे कैंपेन को पूर्ण राज्य के ऊपर सेंटर किया था कि अगर आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतते हैं तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का हक दिलाने की लड़ाई मजबूत होती है। उसकी जगह पूरी तरह से मोदी जी को जिताओ और मोदी जी को हराओ ही कैंपेन हावी रहा और लास्ट तक वो मोदी और राहुल जी के नाम पर वोट पड़ा, क्योंकि दिल्ली के अंदर कांग्रेस को वोट पड़ना न तो कोई संगठन है और न तो कोई, कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो कैंपेन थी, नॉमिनेशन की बात की कैंपेन थी, वो इस बात को दर्शाता है कि लास्ट तक वोट जो था वो राहुल और मोदी जी के नाम पर पड़े। लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया, आम आदमी पार्टी के लिए सकारात्मक पहलू यही है कि दिल्ली में जो हमने काम किया है और दिल्ली में केजरीवाल जी को लेकर के उनकी जो काम की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर के लोगों की हर जगह पे एक सिंपैथी और ये चीज दिखी है।